हमास में जारी सैन्य संघर्ष के बीच फिर से ईरान को लेकर बड़ा और सनसनीखेज दावा होने लगा है। ऐसी आशंका जताई जाने लगी है कि ईरान अगले दो हफ्तों में परमाणु हथियार बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये आशंका जताई जा रही है कि ईरान परमाणु बम बना चुका है। दरअसल अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्ट्रेटजीज फॉर काउंटरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट 2023 में ये चौंकाने वाला दावा किया है। इसके तहत ईरान के पास दो हफ्ते के अंदर परमाणु हथियार विकसित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि अगर ईरान ने यूरेनियम संवर्धन कर रखा है तो फिर ईरान परमाणु बम भी बनाकर ठीक वैसे ही चुप बैठ गया है जैसे इसराइल। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने रिकॉर्ड समय में ही परमाणु हथियार बनाने का जरूरी बुनियादी ढांचा और तकनीक में महारत हासिल कर ली है। ईरान का यूरेनियम का उत्पादन परमाणु हथियार बनाने के लेवल के बेहद करीब है। ऐसे में ईरान बेहद कम समय में एटमी हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बना सकता है। ये तो बात हुई रिपोर्ट की, लेकिन ईरान के इरादों को देखते हुए ये समझने की गलती नहीं की जानी चाहिए कि सब कुछ होने के बाद ईरान खामोशी से परमाणु बम के मसाले को बस निहारता रहे। मिडिल ईस्ट में मच रही उथल पुथल और अमेरिकी धमकियों के बीच ईरान ने परमाणु ताकत का मुकाम हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, खासतौर से तब जबकि उसके पास दोस्त के रूप में रूस, चीन, कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश साथ हों। वैसे भी दुनिया में परमाणु हथियारों और परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी करने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बताया कि ईरान ने यूरेनियम की 84% तक की क्षमता हासिल कर ली है, जो परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक 90% से थोड़ी कम है। ऐसे में सिर्फ 10% क्षमता के लिए ईरान किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करेगा। वैसे भी इजराइल और हमास की जंग ईरान के लिए अपनी दबिश दिखाने का बड़ा मौका है। ये बड़ी बात है कि आज तक ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी कोई जानकारी खासतौर से साझा नहीं की है। ईरान लगातार एक के बाद एक हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च करता जा रहा है। फतेह 2 उसकी सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और अमेरिकी शहरों को निशाना भी बना सकती है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब ईरान जल्द ही पूरी दुनिया के बीच धमाकेदार ऐलान कर सबको चौंका दे कि वो परमाणु बम बना चुका है। वैसे भी अमेरिकी प्रतिबंधों से ईरान की आर्थिक स्थिति पर ज्यादा असर पड़ा नहीं है, हालांकि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की पल पल की निगरानी कर रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ईरान की हर गतिविधियों पर नजर रख रही हैं, मगर अब ईरान भी इशारों इशारों में परमाणु बम की बात करने लगा है। ईरान की फितरत को अमेरिकी सैटेलाइट की उन तस्वीरों से समझा जा सकता है जो दावा कर रही है कि ईरान पहाड़ों के नीचे न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। ईरान बीते दो दशकों से भी ज्यादा समय से परमाणु शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। पश्चिमी देश नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति से लैस हो। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि अमेरिका का ईरान को लेकर दावा कितना सही साबित होता है। फिलहाल ईरान के परमाणु बम बना लेने की सुगबुगाहट से मिडिल ईस्ट में साजिश की एक गहरी चुप्पी महसूस की जा सकती है।